आज से हम फेसबुक एड्स का बेसिक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको जीरो नॉलेज है, आपको कुछ भी नहीं पता है फेसबुक एड्स के बारे में, बिल्कुल नए हो, जस्ट अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने वाले हो, तो इस पूरे कोर्स को आप देख लोगे तो आपको फेसबुक एड्स के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। यहाँ पर मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि अगर आप बिल्कुल नए हो, पहली बार फेसबुक एड्स का नाम सुन रहे हो, तो वहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। पुरानी कुछ वीडियोज़ हैं मेरी, बट वो पुरानी हो गई हैं, तो हम दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हो फेसबुक एड्स, या ऑलरेडी कर चुके हो लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, बस आप कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो इस पूरी प्लेलिस्ट को आप देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी अगर आप ऑलरेडी कुछ अच्छा कर रहे हो फेसबुक एड्स में, तो मे बी ये वाली वीडियो आपके लिए ना हो, बट फिर भी आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो। तो शुरू करते हैं फेसबुक एड्स का बेसिक कोर्स। मेक श्योर कि आप एंड तक देखो इस वीडियो को, प्लस इस पूरी प्लेलिस्ट को, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो। अब अगर आप फेसबुक एड्स रन करना चाहते हो, तो आपके पास इंस्टाग्राम या फेसबुक होगा। फेसबुक एड्स से मेरा मतलब इंस्टाग्राम एड्स, मेटा एड्स, सब जो भी आप मानना चाहो। तो आपने कई बार देखा होगा वहां पर आपको एक बूस्ट का बटन दिख रहा होता है, ठीक है। जो बूस्ट आप ऑप्शन प्रेस करके, शायद किसी ने एड रन भी कर लिया होगा, तो बूस्ट का जो ऑप्शन होता है, ठीक है, ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप करते हो जब आपको मे बी आपके इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलोअर्स चाहिए हो, या फिर आप चाहते हो कि लोग आपके कंटेंट के साथ इंगेज करें, लाइक करें, कमेंट करें, दैट्स इट। अगर आपका गोल है परचेज लाना, सेल्स लाना, लीड्स लाना, तो ये जो बूस्ट है ये आपको काम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस क्रिएट करना या फिर इंगेजमेंट क्रिएट करना। तो अगर आप ये रन करते हो और आप कहते हो कि सेल्स नहीं आ रही, लीड्स नहीं आ रही, और आप फेसबुक एड्स को ब्लेम कर रहे हो कि काम ही नहीं करता, क्योंकि आप चाह ही रहे हो कि आपको इंगेजमेंट मिले, सेल्स ना मिले, तो उसी के लिए बूस्ट यूज किया जाता है। तो मेक श्योर कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव लीड जनरेट करना है या डायरेक्ट सेल्स जनरेट करना है, तो बूस्ट मत करिए। तो अगर आप बूस्ट नहीं करोगे तो क्या करना है? सबसे पहली चीज, आपके को चाहिए एक पेज, ठीक है, आपको एक फेसबुक पेज चाहिए, ठीक है, यू नीड अ एफबी पेज, ठीक है। ये जो फेसबुक पेज है, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, ठीक है। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पर्सनल नहीं होना चाहिए, या तो वो क्रिएटर अकाउंट हो, ठीक है, कि आपने क्रिएटर अकाउंट बना रखा है, या फिर वो बिजनेस अकाउंट हो, ठीक है, वो पर्सनल अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों अकाउंट हैं, तो आप अपने फेसबुक पेज से इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एड्स आपको रन करना है तो। सो पहला काम यही है कि आप एक पेज क्रिएट करिए। पेज का नाम आप कुछ भी रख दीजिए, एक्स वाई जेड आपके ब्रांड के नाम से आपने पेज रखा, इस पेज को आपने अपने इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर दिया है, दैट्स इट, आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। पेज को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, वेबसाइट, जो भी चीज़ आपके पास है, वो सारी इन्फॉर्मेशन से पेज को रेडी कर लीजिए, ताकि आपका पेज रेडी है, देन हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे। जब आप फेसबुक पे जाएंगे, जैसा कि स्क्रीन पे आपको चल रहा होगा, जब आप फेसबुक पे जाएंगे तो आपको फेसबुक पे ऑप्शन दिख रहा है ऐड अकाउंट का, ठीक है। जब आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हो, तो ऐड अकाउंट जो आ रहा है वो आपका पर्सनल ऐड अकाउंट होता है, ठीक है। अभी आपको आगे मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, यहाँ पर स्क्रीन पे चल भी रहा होगा, ठीक है। तो वो पर्सनल ऐड अकाउंट होता है। तो पर्सनल ऐड अकाउंट का मतलब क्या है? मान लो कि मेरा जो नाम है वो गौरव के नाम से मैंने अपनी एक प्रोफाइल बना रखी है, ठीक है, ये मेरे प्रोफाइल का नाम है गौरव, ठीक है, और इस पे मैंने अपना एक पेज बना दिया, मान लो थ्राइव लैब्स, ठीक है, ये पेज है, ठीक है, ये पेज है और ये मेरी प्रोफाइल है। तो अगर मैं अपने ऐड अकाउंट पे जाता हूँ, बिल्कुल नया फ्रेश है ये, अगर मैं अपने प्रोफाइल पे जाता हूँ, तो मुझे एक ऐड अकाउंट दिख रहा होगा, ठीक है, मुझे एक ऐड अकाउंट दिख रहा होगा जिसका नाम गौरव होगा, ठीक है, या फिर जो भी मेरा नाम से प्रोफाइल बनाई है वो होगा। तो दैट इज अ पर्सनल ऐड अकाउंट। हम पर्सनल ऐड अकाउंट से ऐड नहीं चलाते, ठीक है। तो जिस नाम से आपकी प्रोफाइल होगी, उसी नाम से एक ऑलरेडी फेसबुक आपको ऐड अकाउंट देता है, जो कि पर्सनल ऐड अकाउंट कहलाया जाता है, और उस ऐड से आप ऐड नहीं चलाओगे। हम बनाएंगे बिजनेस मैनेजर। अब हमें चाहिए बिजनेस मैनेजर। तो बिजनेस मैनेजर कैसे बनता है, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको फटाफट बताता हूं कि बिजनेस मैनेजर आप कैसे बनाओगे। बिजनेस मैनेजर के लिए ही हमें ये फेसबुक पेज चाहिए होता है, जिस पेज के थ्रू हम ऐड रन करना चाहते हो। तो जो पेज आप बना रहे हो, जो पेज का नाम है, वो आपके बिजनेस के थ्रू नाम रहे तो बेटर है, और उसी के थ्रू अपना एक बिजनेस मैनेजर आप क्रिएट कर लोगे। बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के बाद अपन बात करेंगे पिक्सल की, पिक्सल क्या करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पिक्सल के बारे में नहीं पता है। तो बिजनेस मैनेजर कैसे बनाते हैं, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, वहां पर देखते हैं कि आप बीएम कैसे बना सकते हो। सो बेसिकली जब आप अपना नया बिजनेस मैनेजर बनाने वाले हो, तो बेसिकली जब आपकी ये प्रोफाइल है, लेट सपोज आपकी प्रोफाइल का कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे इस प्रोफाइल का नाम है ऐश्वर्या, ठीक है, इस प्रोफाइल का नाम ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या आर। तो अभी ये पर्सनल ऐड अकाउंट है, यानी कि इनके पास कोई बिजनेस मैनेजर नहीं है। अगर आप कैंपेन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इफ यू क्लिक ऑन द कैंपेन, तो ये पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे आपकी प्रोफाइल का नाम लिख के आ रहा है। तो आपकी जो भी प्रोफाइल होगी, उस प्रोफाइल का नाम यहाँ पे लिख के आ रहा है, दिस इज नोन एज पर्सनल ऐड अकाउंट। पर्सनल ऐड अकाउंट से हम अपने एड्स को नहीं रन करते, ठीक है।
हम हमेशा बिजनेस मैनेजर से रन करते हैं अपने ऐड को। तो अभी क्या है, जब आपकी एकदम नई प्रोफाइल है, फ्रेश प्रोफाइल है, तो उसमें कोई बिजनेस मैनेजर नहीं होता है। देखो, इसको भी हम ऐड अकाउंट बोलते हैं, और बिजनेस मैनेजर के अंदर भी ऐड अकाउंट ही होता है, लेकिन वो बिजनेस मैनेजर का ऐड अकाउंट होता है। ये आपका पर्सनल ऐड अकाउंट है जो फेसबुक सबको प्रोवाइड करता है कि भाई अगर आपको बूस्ट वगैरह करना हो, एंगेजमेंट डिविजन चाहिए, तो आप सीधा यहाँ से रन कर सकते हो। बट हम बिजनेस मैनेजर पे रन करेंगे, इस बात को आप सिंपली जान लो। अब बिजनेस मैनेजर बनाने के लिए सिंपली आपको एड्स मैनेजर ओपन करना है। जैसे इस तरह की स्क्रीन होगी, इसी तरह की स्क्रीन होगी जहां पर आपको आना है, ठीक है। या फिर सिंपली आप facebook.business.com पे भी जा सकते हो। लेट सपोज हम क्या गए, आप सीधा यहाँ पर business.facebook.com पे जा सकते हैं, ठीक है। जब आप यहां पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर जब जाएंगे, जैसे कह रहा है क्रिएट एन अकाउंट, तो आपको मेटा बिजनेस मैनेजर ओपन करना है। मैं यहाँ पर आपको कुछ गलतियां दिखा रहा हूँ। ये सपोज आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो ये इस तरीके से आ गया, क्रिएटिव बिजनेस पोर्टफोलियो, दैट इज गुड, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर आपका कुछ इस तरीके का खुला हुआ है तो यहाँ पर सेटिंग है, यहाँ पर सेटिंग क्लिक कर देंगे आप, चलेगा। जैसे ये बिजनेस पोर्टफोलियो है, क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर भी वही सेम स्क्रीन आ गई, यहाँ पर भी वही सेम स्क्रीन आ जाएगी जब आप इस पर क्लिक करेंगे। तो दोनों तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली आपको आपके बिजनेस मैनेजर का नाम डालना होगा, नाम आप कुछ भी डाल सकते हो। लेट्स सपोज हम डाल देते हैं थ्राइव लैब्स TL, ठीक है। लेट्स सपोज TLBM, ठीक है। आप कुछ भी नाम डाल सकते हो अपने हिसाब से। देन आपका नाम तो यही होगा जो आपका नाम है वो। देन अपना ईमेल एड्रेस, अब अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे, और ईमेल एड्रेस के थ्रू बेसिकली यहाँ इस ईमेल एड्रेस पे आपको सारे अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे। तो अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर पुट इन कर दीजिए, और फिर इसी ईमेल से आपको सारे डिटेल्स आएंगे। सो वी हैव एडेड द ईमेल एंड देन सिंपली क्लिक ऑन सबमिट। जब आप ये सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका बिजनेस मैनेजर फेसबुक क्रिएट कर देगा, ठीक है। वेट फॉर सम टाइम, ये आपका BM क्रिएट हो रहा है, एंड हम फिर BM में अपना एड्स मैनेजर बनाएंगे, वहां से ऐड चलेगा। तो ये सिंपली आपको अपना ईमेल कंफर्म करना, ईमेल पे जाइएगा, वहां पर आपको कंफर्मेशन आएगा, लॉगिन कर लीजिएगा और वो कंफर्म हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। देन जस्ट क्लिक ऑन डन। वंस यू क्लिक ऑन डन ओवर हियर, आपको सिंपली आ जाना है आपके बिजनेस मैनेजर पे, या फेसबुक खुद ही आपको ओपन कर देगा। जैसे ये TLBM है और आपकी प्रोफाइल यहाँ पे दिख रही होगी, जैसे ये आपकी प्रोफाइल दिख रही है, आप यहीं पे क्लिक करेंगे तो आपको ये BM दिखेगा, ठीक है। देन यू हैव टू कम ऑन दिस BM, देन सिंपली अब जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कोई ऐड अकाउंट नहीं है, तो बिजनेस सेटिंग पे जाइए। बिजनेस सेटिंग पे जाकर के हम अपना ऐड अकाउंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऐड अकाउंट को क्रिएट करके अभी फिलहाल के लिए जैसे हमने ईमेल वेरीफाई नहीं किया है, तो ईमेल वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें अपने आप ओपन होने लग जाएंगी। अब जैसा कि आपने बिजनेस मैनेजर बना लिया है, बिजनेस मैनेजर बनाने के बाद उसमें एक ऐड अकाउंट मिल जाएगा। उस ऐड अकाउंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आप खुद ही एक पर्सनल ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आई बटन पे भी वीडियो है कि ऐड अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ें, तो और डिटेल में जानने के लिए वो जरूर देख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पिक्सल की। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल एक कोड है जो कि ट्रैक करता है सारी चीज़ों की, कि अगर आपके ऐड से किसी ने क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे गए तो कितने लोग गए, कितने लोगों ने बटन पे क्लिक किया, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने परचेस किया, वो सारी चीज़ें जो है वो पिक्सल ट्रैक करता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कहाँ पर है, ठीक है, और ये केवल वेबसाइट पे ही अप्लीकेबल है, यानी कि आप इंस्टा से ऐड चला रहे हो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM वगैरह के लिए, तो उसके लिए पिक्सल की जरूरत नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम DM एंगेजमेंट इन सब चीज़ों के लिए ऐड चलाते हो तो पिक्सल की जरूरत नहीं पड़ती है। वेबसाइट पे कुछ चाहते हो तो पड़ेगी। अगर मान लो वर्डप्रेस पे आप कर रहे हो, ठीक है, या शॉपिफाई पे आपने वेबसाइट बनाई हुई है, या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे आपने वेबसाइट बनाई हुई है, तो सब प्लेटफॉर्म आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपना पिक्सल को इंटीग्रेट करें। अब अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, लैंडिंग पेज आपका वर्डप्रेस पे है, तो सिंपली वर्डप्रेस पे एक प्लगइन आता है फेसबुक फॉर वर्डप्रेस। अगर आप वूकॉमर्स पे हो तो वहां पर प्लगइन आता है फेसबुक फॉर वूकॉमर्स, आप सिंपली पिक्सल को कनेक्ट कर सकते हो। शॉपिफाई पे हो तो शॉपिफाई पे उसका एप्लीकेशन आता है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो फिर से आई बटन पे लिंक दे रखा है, वहां से आप वो भी चीज़ें जान सकते हो। तो पिक्सल का काम है सारी चीज़ें ट्रैक करना। अब पिक्सल इंपॉर्टेंट क्यों है? पिक्सल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिक्सल ही पूरा डेटा एड अकाउंट में पहुंचाता है। जितना एक्यूरेट डेटा पिक्सल एड अकाउंट को देता जाएगा, उतना ज्यादा आप ऑप्टिमाइजेशन कर पाओगे। आगे जो वीडियोज आएंगी इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, इस बेसिक कोर्स के अंदर, हम पिक्सल के ऊपर और बातें करेंगे, ताकि जो नई जनता है जिसे पिक्सल के बारे में इंपॉर्टेंस नहीं पता है, तो उसको ये चीजें पता चल पाए। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो, प्लस आगे की जो भी चैनल पे वीडियोस आ रही हैं, प्लेलिस्ट में आ रही हैं, उनको आप देखो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।